अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त औरंगजेब, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कार सुरकार। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जनाब, आज जिस गाड़ी का मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ वो है 1968 मॉडल करोना। और जनाब, ये गाड़ी मैं आपको दिखाऊँगा, आप यकीन करें, आप लोग हैरान होंगे कि इस गाड़ी ने टर्बो को भी हराया हुआ है। मतलब कि इसके अंदर जो इंजन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, रियर व्हील ड्राइव है ये। अभी मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूं कि जिस भाई ने ये गाड़ी बनाई हुई है, आप देखें कि किस टाइप की ये गाड़ी है। और चलें, अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। आप ये इंटीरियर देखें आप, 1968 मॉडल करोना का, एंड्रॉयड लगा हुआ है, एसी वगैरह हर चीज़। ये पैनल जो है 2007 मॉडल तुम्बे का इन्होंने लगाया हुआ है, एसी वगैरह हर चीज़ वर्किंग कंडीशन में है। ये देखें आप ज़रा इंटीरियर से गाड़ी की कंडीशन, ये जापानीज मोमो का स्टेरिंग लगा हुआ है इस पर। और ये देख लें, ये पावर विंडो हुए हैं कंप्लीट। और ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो बाहर वाला शीशा है, ये जो मतलब ये वाला, ये इसके लिए होता है क्योंकि उस दौर में ये आई थी, ये रियर व्हील ड्राइव आई थी। और जनाब, मैं आपको ये पीछे से भी दिखा देता हूँ, ये देख लें आप पीछे से भी गाड़ी को देख सकते हैं। मतलब कि उन्होंने पूरी गाड़ी दोबारा से रिस्टोर की है कम्प्लीट। और इसके अंदर 2500 सीसी इंजन है रियर व्हील ड्राइव टोयोटा का। और ये देख ले, मैनुअल गियर में है। और सर, ये जहाज़ है, आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब जो जिस टाइप की ये गाड़ी बनी हुई है, डिफरेंशियल जो इसका लगा हुआ है, ये सारा कुछ ये उन्होंने, ये देख लें, इसका बोनट भी दूसरी साइड पे खुलता है। और ये एसी वगैरह, ये हर चीज़ इसकी वर्किंग कंडीशन में है। ये कूलिंग वाला सिस्टम, ये फ़ैन वगैरह, ये इशारे वगैरह, हर चीज़ यहीं से कंट्रोल होते हैं। और भाई वैसे सेल तो नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर किसी भाई को पसंद आए तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आप रابطہ कर लीजिएगा। तो जनाब, मैं अब आपको बाहर से भी गाड़ी दिखा देता हूँ इंजन वाइज, और चलें, आए चलते हैं जी। तो जनाब, आउटलुक देखें आप गाड़ी की, ओरिजिनल जो इसके रिम आते हैं उसमें है, ओवेशन के नए टायर डले हुए हैं। और जनाब, इसका जो बोनट खुलता है बैक साइड पे, और इंजन चेक करें आप, 2500 सीसी है ये टोयोटा का, और एचकेएस का एयर फिल्टर लगा हुआ है इसमें। और कोई इसमें ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं है क्योंकि इसकी अपनी पावर ही काफ़ी है। और कंप्रेसर वगैरह हर चीज़, मतलब अगर आप चेक करें गाड़ी को सर, ये आप यकीन करें कि 2018 मॉडल टर्बो जो थी 180 एंड 185 हॉर्स पावर में है, इसने उसे धूल चटाई है इस गाड़ी ने। आप बैक से देख सकते हैं, अभी मैं आपको इसका फ्यूल टैंक दिखाता हूँ कि वो कहाँ से इसके अंदर फ्यूल डाला जाता है, तो ज़रा चेक करिएगा आप। अभी मैं ये क्या कि ये देखें, यहाँ से जनाब इसका ये फ्यूल डलता है यहाँ से। और अभी डिग्गी खोल के भी मैं आपको ये गाड़ी दिखाऊंगा जनाब। ये गाड़ी अपनी सीलों में है, गाड़ी पेंट तो है जाहिरी बात है क्योंकि ओल्ड मॉडल है, लेकिन जिस भाई ने ये रखी हुई है ना गाड़ी, इसका हर एक गैजेट वर्किंग में है, हर चीज़। ये आप चेक करें ज़रा पीछे से गाड़ी, डिग्गी की कंडीशन चेक करें आप। ये 68 मॉडल है कि हमारे जो वालदैन होंगे, शायद उनकी ये पैदाइश का दिन होगा, तो ये तब से मतलब कि अभी तक ये फिट चल रही है गाड़ी, ये देख सकते हैं आप। जनाब, ये गाड़ी ऐसी है ना कि बस आप इसे, इसके अंदर एक पैसे का काम नहीं है, मतलब इतनी इस बंदे ने इसे संभाला हुआ है गाड़ी को। और यकीन करें कि मोटरवे पे 180, 190, 200 इसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जनाब, ये देखिए आपने गाड़ी कोरोना, देखिए आपने 68 मॉडल है ये। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। अब आपने ये गाड़ी देखी होगी, आप यकीन करें किसी दिन मैं आपको इंशाल्लाह इसके ड्रैग रेस का भी रिव्यू करवाऊँगा। और क्या कमाल इसकी ड्राइव है, पावर स्टेयरिंग में है, फुली ऑप्शन है ये गाड़ी, मतलब के रियर व्हील ड्राइव है। पहले तो वो ऑल व्हील ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, कि रेसिंग के लिए उन्होंने बनाई थी ये। और इसकी रोड ग्रिप वगैरह हर चीज़, इसके अंदर जो सस्पेंशन लगे हुए हैं वो बहुत ही मतलब कि ना अच्छी गाड़ी के लगे हुए हैं। तो जनाब, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।